हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TGT PGT का आर्ट। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अपडेट ये है कि प्रधानाचार्य के 176 पदों का परिणाम 10 साल बाद जारी हुआ है। ये बहुत ही पुराने रिजल्ट हैं 2011 के, और ये कई अलग अलग मंडलों के हैं, तो इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन बात हमें इस पर नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ये तो ठीक है तो होना ही था। बट जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है वो ये है कि TGT PGT 2021 की प्रतीक्षा सूची, यानी कि जिसे आप वेटिंग लिस्ट कह रहे थे, उसको जारी कर दिया गया है। ये जानकारी बोर्ड ने हिंदुस्तान अखबार को दी है। तो आप लोग प्लीज़ जाइए चयन बोर्ड की वेबसाइट पर एंड फाइंड आउट योर रिज़ल्ट। यदि आपका सिलेक्शन उसमें होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यदि नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। चूँकि रिजल्ट पहले ही आ गया था, जो चयनित लोग थे उनका तो रिजल्ट आ ही गया था, लेकिन जो वेटिंग में हैं, वेटिंग में बहुत सारे लोग को सीट तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो सीट को छोड़ेंगे किसी वजह से। या तो वो कहीं सिलेक्टेड होंगे या उससे बेहतर कहीं उनको नौकरी मिल रही होगी। इसी केस में केवल कोई सीट छोड़ता है, आता है, बहुत ज़्यादा सीट वहाँ पर होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग तो सिलेक्ट होंगे ही। जो सिलेक्ट होंगे उनको पहले से ही एकदम शुभकामनाएं। अगर हमारे स्टूडेंट्स में से कोई सिलेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, मैं आपसे बातचीत भी करूँगा। और निश्चित तौर पर एक आध लोग तो होंगे ही, कई क्योंकि कई लोग एकदम किनारे पे थे, किसी का 6 बेटिंग था, किसी का 10 बेटिंग था। तो अगर किसी का भी हमारे स्टूडेंट में होता तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे और फ़ोन भी करेंगे हमें, क्योंकि नंबर आपके पास होगा मेरा, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपको बताना था। और दूसरी बात यह है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए वो परेशान नहीं उनको होना, क्योंकि 7000 वैकेंसी फिर से आने जा रही है, और इस 7000 वैकेंसी को भुना लेना है, इस बार मौका नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी। जिन लोगों को मेरा क्लास ज्वाइन करना है वो हमसे बात कर सकते हैं 9616 8276 46 पर, या जिन्हें कहीं और ज्वाइन करना है, मेरे से नहीं पढ़ना है, तो वो कहीं भी ज्वाइन कर ले, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो जिनको मेरे से ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।